Zombie apocalypse. असलम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो आज के स्टोक अंदर मैं आपके लिए लिया एक और ट्रेंडिंग उर्दू रिलिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो यहाँ पे किसमें आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कि जैसे कि हमने डेमो वीडियो में देखा, इस तरह का जो उनका स्टेटस है ये कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो इसको किस आप किस तरीके से क्रिएट करें कि बहुत ज़्यादा इजी है वो इसमें आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। सो वीडियो कुछ आपने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देख लेना। तो चलिए इस मेरे नवेश की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किस यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गीज़ आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। देन गीज़ आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके यहाँ पे गीज़ आपको एक रेशियो है वो गीज़ आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे गीज़ आपको मैंने कहा कि ब्लैक स्क्रीन यूज़ करना है, तो यहाँ पे गीज़ खाली मैंने ब्लैक स्क्रीन ही यूज़ किया, ज़्यादातर उसी के ऊपर ही हो रहे। अब इसमें आपको एक XML प्रोवाइड करूँगा जो कि गीज़ कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ से गीज़ आपने जो सी इसकी लेयर है वो गीज़ आपको कॉपी लेयर कर लेनी है। ठीक है, कॉपी लेयर करने के बाद बैक के ऊपर क्लिक करना है और जो से गीज़ आपका प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे होगे उसके ऊपर ला के गीज़ आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गीज़ आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले गीज़ आपको यहाँ पे जो सी एक ऑडियो वगैरह यूज़ कर लेनी है। उससे पहले गीज़ जो मैं यहाँ पे एक रिलिक्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये गीज़ मैंने यहाँ पे रिलिक्स ऐड किया। देन मैं गीज़ यहाँ पे जो एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब गीज़ आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गीज़ आपको एक ऑडियो है वो गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो ऑडियो जो गीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब गीज़ आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गीज़ आपको इस लेयर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से गीज़ आपने इसका जो स्टॉक है वो गीज़ आपको ऑन कर लेना है और कलर जो गीज़ आपको यहाँ पे वाइट ही रखना है। और स्टॉक की गई जो विर्थ होगी वो गीज़ आपको यहाँ पे जो सी है टू ही रख लेनी है। ठीक हो गया। अब गीज़ आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गीज़ आपको जस्ट एक ही इफेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐड इफेक्ट के ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गीज़ आपको टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे गीज़ आपको टेक्स्ट स्पेसिंग है इसको ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है और यहाँ से गीज़ आपने स्टेटस सेटिंग के ऊपर गीज़ आपको क्लिक कर लेना है। अब गीज़ आपने यहाँ पे ये जो सा टेक्स्ट स्पेसिंग यूज़ किया होगा इसको गीज़ आपने उठाना है और इसको गीज़ आपने सबसे ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये गई इसको जिस तरीके से ऊपर ले जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गीज़ आपको तीन की है वो गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। एक गीज़ आपको मिड में, एक गीज़ आपको यहाँ इसको उठा के पहले इधर रख लेते हैं और एक गीज़ आपको यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, की एक गीज़ मैंने जो से यहाँ पे तीन की यूज़ कर ली है। अब गीज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले की के ऊपर आना है, इसको गीज़ आपने माइनस में जो सा गीज़ आपने इसको 50 कर लेना है। ठीक है, ये माइनस में 50 हो चुका है और यहाँ पे भी गीज़ आपने इसको माइनस में ही 50 रख लेना है। तो ये गीज़ जो सा यहाँ पे ये माइनस में 50 हो चुका है। अब गीज़ आपको यहाँ पे करना क्या है, दरमियान में गीज़ आपको एक ग्राफ यूज़ करना है। तो ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर गीज़ आपको क्लिक करना है, इसको गीज़ आपने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको गीज़ आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे गीज़ आप देख सकते हैं। अब गीज़ आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ से गीज़ आपने कॉपी कर्व कर लेना है, आगे जाना है और ला के गीज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर्व करने के बाद इसको गीज़ आपने इस डबल एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको अपोजिट कर लेना है। अब गीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सा गीज़ इंटरफेस होगा वो गीज़ हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, क्योंकि गीज़ मुझे इस तरह की जो से रिलीज की काफ़ी ज़्यादा गई जो सी रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से गीज़ मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। अब इस बारी आ जाती है ऊपर इमोजी वगैरह यूज़ करने की, तो इसका गीज़ आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ले लेना है और उसके बाद गीज़ आपने इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे गीज़ आपको दो इमोजी है वो गीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है कोई सी भी रेंडमली। ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल गीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से गीज़ आपने स्टॉक का जो सा गीज़ ऑन किया होगा इसको गीज़ आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद बैक के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर जाना है और ला के गीज़ आपने यहाँ पे एप्पल इमोजी है वो गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब गीज़ आपने जो सी इसकी ओपेसिटी होगी कलर की वो गीज़ आपको जीरो रख लेनी है। देन गीज़ आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी तक गीज़ हमें जो सा इमोजी है वो गीज़ हमारे जो सा इसका जो सा असल कलर है ओरिजिनल कलर में नहीं आ रहा, तो उसके लिए गीज़ आपको करना क्या होगा, इमोजी वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे गीज़ आपने जो सा ये लास्ट वाला होगा गामा एक्सप्लोसिव, इसको गीज़ आपने यहाँ से डायल कर देना है। ठीक है, डायल करने के बाद इसको गीज़ आपने ऊपर की तरफ मूव करना है और अगर गीज़ आपको इमोजी का साइज़ ज़्यादा भरा लगे तो इसको गीज़ आपने छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको बिल्कुल इसके मिड में ऐड कर लेना है। मिड में ऐड करने के बाद यहाँ पे गीज़ मैं आपको एक दफ़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ जो कि गीज़ हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे एक और भी इफेक्ट है जो से गीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल था और मुझे इंस्टा के ऊपर भेजा गया था, वो था यहाँ पे RGB कलर यूज़ करने का। तो उसको गीज़ जो सा RGB स्प्लिट है इसको गीज़ मैंने जो से फिलहाल के लिए यूज़ नहीं किया, इसको गीज़ आपने मैंने हिडन किया हुआ तो आपने गीज़ इसको अनहिडन कर देना। इससे गीज़ आपको मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ जो कि गीज़ हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गीज़ आप देख सकते हैं। तो अगर गीज़ आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ गीज़ आप देख सकते हैं हमारा जो सा गीज़ इफेक्ट है वो गीज़ इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब गीज़ जस्ट आपको नीचे
एक लोगो वगैरह यूज़ करके इसको अपलोड कर देना या सेव कर लेना, इतना ज़्यादा मुश्किल स्टेटस नहीं है। ऑलरेडी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो मैंने पहले ही यूज़ कर लिया है, सिर्फ एक ही इफेक्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग जो कि आपको यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।